तो आज हमारे सामने है अर्टिगा VXi मॉडल, जिसके अंदर बहुत सारा काम किया गया है राखा कार एक्सेसरीज द्वारा। शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट लुक से। तो यहाँ पर जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इंस्टॉल किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर तो ये वाली जो इंडिकेटर था ये आता ही था, बट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर भी जो है इंडिकेटर इंस्टॉल करे गए हैं। उसके बाद यहाँ पर DRL इंस्टॉल किया गया है, और यहाँ पर भी इसमें प्रोजेक्टर फॉग लैम्प इसके अंदर इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी गर्मी से फील हो रही है। तो ये है कुछ इसकी फ्रंट लुक, जो कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प चलने के बाद DRL लगने के बाद कुछ ऐसी बोल्ड प्रोफाइल देती है गाड़ी। और उसके बाद अब बात करें हम इसके साइड लुक्स में, तो भाई साइड लुक्स में इसके जो है सन वाइजर दिया गया है, लोअर गार्निश दी गई है क्रोम वाली, जो लोअर गार्निश आती है जो कि थ्रू आउट द गेट जा रही है और सी पिलर तक जा रही है। उसके बाद यहाँ पर जो है साइड बीडिंग दी गई है काफ़ी अच्छे तरीके से। देखो कितनी फिनिशिंग के साथ इसके अंदर सारा काम किया गया है। एक चीज़ इसके अंदर जो बहुत अच्छी ऐड की गई है वो है ये वाले रोलर्स। तो ये वाला जो सनशेड है एक तरीके से माना जाए तो बहुत एक प्राइवेसी कंसर्न देखा जाए तो बहुत सही तरीके से ये चीज़ इसमें लगाई गई है, अच्छे तरीके से इसके अंदर काम किया गया है। उसके बाद एम्बिएंट लाइट का भी इसमें काम किया गया है, मैं भी आपको एम्बिएंट लाइट का भी जो है काम इसमें थ्रू आउट द कार किया गया है, और अच्छे तरीके से जो है इसके अंदर सारी चीज़ें मॉडिफाई की गई हैं। रियर पार्किंग कैमरा ऐड किया गया है, और इसके अंदर जो है ये वाली जो टेल लैम्प है ये भी इंस्टॉल करी गई है जो कि फ्लोटिंग है। एंड ये वाला गेट अभी बंद करते हैं, जरा चलते हैं अपनी गाड़ी की ओर। और यहाँ बात करें तो भाई यहाँ पर जो है सीट कवर्स ऐड करे गए हैं। यू कैन चेक द क्वालिटी ऑफ सीट कवर्स, कितने सही लग रही है। अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं तो आपको इसकी स्टिचिंग आप चेक कर सकते हैं, और काफ़ी कंफर्टेबल सीट कवर्स ये लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में भी, क्योंकि बेज इंटीरियर है तो बेज ही सीट कवर इसके अंदर इंस्टॉल करे गए हैं। अब यहाँ पर बात करें तो भाई एम्बिएंट लाइट का जो इसमें इस्तेमाल किया गया है वो अगेन एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत अच्छी प्रोफाइल है। और जो है इसके अंदर इस गाड़ी को हम लोग कर लेते हैं स्टार्ट, क्योंकि यार बाहर है बहुत गर्मी, और जो है हम लोग यहाँ पर एसी ऑन करते हैं, बंद करते हैं गाड़ी को। यू कैन चेक कि इस सनब्लाइंड से कितना फ़र्क पड़ रहा है गाड़ी के अंदर, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और इसकी आप नेट की क्वालिटी चेक कर सकते हैं, एक अच्छी नेट का काम किया गया है। और यहाँ से आप जो है इसको ये ऑटो फोल्डिंग यार ये तो ऑटो है ना मेरा, तो एक बार यहाँ पर इसको ऐसे करके हटा भी सकते हैं, और यहाँ पर ऐसे करके जो है इसे लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक प्राइवेसी कंसर्न से देखा जाए तो इस गाड़ी के अंदर आप लोग चेक कर सकते हैं कितने सही तरीके से काम किया गया है। चारों विंडोज़ पे तो लगा दी गई है, नीचे उस वाले सी पिलर वाली विंडो है, क्वार्टर पैनल है, वहाँ पर नहीं लग सकती थी तो वहाँ नहीं लगाई, बाकी वहाँ पर जो सनशेड आते हैं वो लग जाएंगे, तो वहाँ पर भी वो भी चीज़ मतलब कवर अप हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर इंटीरियर में बात करें तो भाई अर्टिगा में यहाँ पर जो है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स ऐड हुए हैं, ये वाले तो कंपनी से आते हैं। यहाँ पर जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के, अब इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करी जाए तो यहाँ पर एंड्रॉयड यूज़ किया गया है, एंड्रॉयड लगाया गया है कंपनी यहाँ पर राखा कार एक्सेसरीज द्वारा। और अगर हम इसकी बात करें तो अबाउट में जाएं तो भाई TS7 लगाया गया है, और इसकी जो रैम है 2GB है, और इंटरनल स्टोरेज 16GB के आसपास है, 16GB इसमें इंटरनल स्टोरेज है और 2GB इसके अंदर रैम है। यू कैन चेक द क्वालिटी ऑफ द एम्बिएंट लाइट, अब एम्बिएंट लाइट का काम देखो कितने प्यारे तरीके से किया गया है। यहाँ पर थ्रू आउट द कार एम्बिएंट लाइट का इस्तेमाल आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखो यहाँ पर वाले डोर पे, पीछे वाले डोर पे भी, और उधर भी वाले डोर, मतलब अच्छे तरीके से देखा जाए तो काम किया गया है और फिनिशिंग से काम किया गया है। एज सच इतनी कोई ऑड नहीं लग रही, मतलब आफ्टर मार्केट का कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं लग रहा है। उसके बाद इसके अंदर फ्लोरिंग करी गई है, उसके बाद ये 70 मैट्स ऐड ऑन किए गए हैं। तो भाई यू कैन चेक कितनी प्रोफेशनली, कितने प्यारे और कितने अच्छे तरीके से जो है इसके अंदर काम किया गया है, बहुत बढ़िया तरीके से काम किया गया है। और अर्टिगा VXi CNG है, ये जो जिस गाड़ी में बैठा हूँ ये CNG वेरियंट है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बेसिक गाड़ी थी। यू नाउ यू कैन चेक की भाई सुजुकी क्या काम करता है, और सुजुकी जैसी गाड़ियों के लिए ही जो है यहाँ पर ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स जो है हमारे करोलबाग में, लाइक राखा कैर एक्सेसरीज वाले ये लोग बैठे हुए हैं। देखो अभी यहाँ पर अर्टिगा मैंने आपको दिखाई ना, उसके बाद यहाँ पर जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है इससे अगर मैं ऑन मतलब जो है साउंड कंट्रोल करूँ तो भाई साउंड इजीली कंट्रोल हो रही है, और बहुत सारी चीज़ें मतलब हर चीज़ वर्किंग है। यहाँ पर ऑटो फोल्डिंग ORVMs ऐड करे गए हैं, ऑटो एडजस्टमेंट एंड ऑटो फोल्डिंग दोनों के दोनों इसके अंदर जो है ऐड करे गए हैं। और उसके बाद जो है एक चीज़ और कि भाई देखो यहाँ पर अभी अर्टिगा खड़ी है, उसके बराबर में एक क्रेटा खड़ी है, पुराना मॉडल जो क्रेटा का है, फर्स्ट जनरेशन क्रेटा, सेकेंड जनरेशन क्रेटा वहाँ मॉडिफाई हो रही है। तो भाई राखा कार एक्सेसरीज पे ना दिन रात काम चलता है। अब आप ये मानो कि भाई ये वाली गाड़ी जो है बेस टू टॉप बन गई है, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से इसके अंदर जो है काम किया गया है राखा कार एक्सेसरीज द्वारा। जिस अर्टिगा में बैठा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर सारा काम किया गया है,
हर तरीके से, हर बिल्कुल फिनिशिंग से देखा जाए तो ये वाला रोलर आप चाहे चेक कर लो, बिल्कुल भी यहाँ पर गैप नहीं देखने आपको मिलेगा। मतलब यार बिल्कुल बारीक सा गैप है, क्योंकि यार अब इतना तो रहेगा ना, बिल्कुल बॉडी से नहीं चिपक सकता। और फिनिशिंग के साथ हर चीज़ का काम हुआ गया है। उसके बाद यहाँ पर जो आर्मरेस्ट थी है तो यार कंपनी से आती थी, एडजस्टेबल आर्मरेस्ट इसके अंदर आ जाती है। और मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन लिया जाए तो अर्टिगा ठीक है, कंफर्टेबल गाड़ी है, पर यार ये चीज़ मतलब यार अर्टिगा इज़ नॉट VFM, मतलब वैल्यू फॉर मनी। और जो है एम्बिएंट लाइट, मैंने जैसी गाड़ी की चाबी निकाली तो भाई एम्बिएंट लाइटिंग अपने आप बंद हो गई। ऑफ कोर्स बंद होगी, बट मेरे को लग रहा था कि जो है लाइट जलने पर ही ये गाड़ी की जो एम्बिएंट लाइट है ये ऑन होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन चेक द साइड प्रोफाइल ऑफ द अर्टिगा 2022, ये नई वाली अर्टिगा है जो कि अभी लॉन्च ही हुई है। और इसके जो ओनर हैं उन्होंने गाड़ी ली थी तकरीबन 2 महीने पहले, तो ये मॉडिफिकेशन आज करा रहे हैं इस गाड़ी के अंदर। बढ़िया, देखो आपको पता ही है भाई कैसा काम किया जाता है यहाँ पर राखा कार एक्सेसरीज़ पर। तो भाई अगर आपको भी यहाँ पर आना है तो राखा कार एक्सेसरीज़ की सारी डिटेल्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, स्क्रीन पर आपको नंबर्स फ्लैश हो रहे होंगे। इन हमारे पाजी की गाड़ी है ये, और बढ़िया तरीके से जो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।